नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बेटी की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास काट रहे कुलदीप सेंगर को राहत देते हुए बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम राहत दी है। सेंगर की बेटी की शादी 8 फरवरी को है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह राहत सेंगर की बेटी की शादी के मद्देनजर दी है। बताते चले कि सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दायर की थी। इससे पहले पिछली सुनवाई में सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने बताया था कि पूर्व बीजेपी विधायक की बेटी की शादी कार्यक्रम 18 जनवरी से शुरू हो रहा है और 8 फरवरी को शादी होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने शादी के लंबे कार्यक्रम पर चिंता जताते हुए कहा था कि शादी को कम समय में भी निपटाया जा सकता है। इस पर सिंगर पक्ष के वकील ने कहा कि यह तारीख पुजारी द्वारा तय की गई है और बतौर पिता सिंगर के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सिंगर के तथ्यों को वेरीफाई करे और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली कोर्ट ने उन्नाव मामले में कुलदीप सेंगर को दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट ने भी उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता का अपहरण किया गया था और फिर 60,000 रुपए में बेच दिया गया था। उन्नाव में 4 बार के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसको लेकर कोर्ट ने धारा 376 के तहत दोषी ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।